कुमाऊं क्षेत्र के जनपद बागेश्वर में भारतीय मजदूर संघ की जिला इकाई ने श्रम विभाग बागेश्वर के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी बागेश्वर रानी जोशी को श्रम विभाग की जांच करने का सामूहिक ज्ञापन दिया। भारतीय मजदूर संघ के बागेश्वर जिला अध्यक्ष गणेश सिंह बोरा का कहना है कि श्रम विभाग बागेश्वर द्वारा गाँव कस्बे के गरीब महिला और बुजुर्गों से सरकार की जन कल्याणकारी योजना से अधिक लाभ दिलाने के नाम पर 3,000 रुपए तथा 2,800 रुपए रिश्वत के रूप में लिए गए हैं। श्रम विभाग की स्थिति है सर, श्रम विभाग बागेश्वर में गरीब महिलाओं का, ये देखिए एक महिला ये है, इनकी लड़की की शादी हुई और इनको 3 साल से अब तक इनका लड़की का जो देय हित लाभ शासनादेश जो था विधान के अनुसार जो था वो तो मिला नहीं। श्रम परिवर्तन अधिकारी जनपद बागेश्वर ने इनसे 3,000 रुपये ले लिया कि मैं तेरे को और ज़्यादा अधिक लाभ दिलवाऊंगा, उसे 250-300 रुपये वसूली कर रखी है। सारे आवेदन जो है ऑफलाइन जमा करवा लिए, सबसे 150 रुपया हर आवेदन का लिया है और जबकि वो समस्त आवेदन जो थे आवेदन ऑनलाइन होने थे वो आज तक ऑनलाइन ही नहीं हुए हैं। यहाँ से अल्मोड़ा हमारे कागज़ पहुँचे ही नहीं हैं, बीच में ही वो गायब हो जा रहे हैं। कितने लोगों के कागज, कितने मजदूर के। बागेश्वर के हजारों श्रमिकों से श्रमिक कार्ड बनाने के नाम पर 250-300 रुपये लिए गए हैं। श्रमिकों द्वारा जो भी आवेदन किए गए थे वे अभी तक ऑनलाइन नहीं किए गए। आज उत्तराखंड भवन एवं संनिर्माण मजदूर संघ ने मुझे ज्ञापन दिया है, इसमें उन्होंने यहाँ के श्रम परिवर्तन अधिकारी को कुछ एलिगेशन लगाए हैं, तो उसके हमने आज उनका ज्ञापन लिया है। जो हम लोगों से संबंधित है उसकी हम जांच करवाएंगे और बाकी ज्ञापन के कुछ जो पॉइंट्स हैं वो शासन से रिलेटेड है, ये ज्ञापन हम उनको सौंप देंगे। न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के लिए बागेश्वर से मनोज तंगड़िया की रिपोर्ट।